नमस्कार दोस्तों, मुख्य परीक्षा करंट सीरीज यूपीएससी जीपीएससी पीआई डीवाईएसओ एसटीआई आरएफओ, इसमें आपका स्वागत है। रजनीश सिंह तोमर सर के साथ, मतलब कि अभी जो आपको हम ये एक सीरीज शुरू किए हैं, वो आईएएस का मेंस हो, जीपीएससी का मेंस हो, पीआई का हो, आरएफओ का हो, डीवाईएसओ एसटीआई, उन सबों में 200 शब्दों में आंसर को कैसे लिखें, उसका एक सीरीज शुरू किए हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में करंट अफेयर्स के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित दो क्वेश्चन को हमने डील किया था। आज करंट अफेयर्स के भारतीय राज व्यवस्था, पहला क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का होगा और दूसरा लोक प्रशासन से रिलेटेड होगा। इन दोनों का जो है एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक बार फिर से गुजरात के उन तमाम विद्यार्थियों को जिन्होंने जीपीएससी क्लास 1-2 में प्रीलिम्स परीक्षा पास किया है, रजनीश तोमर की ओर से उनको हार्दिक अभिनंदन, वे बधाई के पात्र हैं। बस अब यही सफलता उनको मुख्य परीक्षा में मिले, इसकी शुभकामनाओं के साथ। और मेरे विश्वास एजुकेशन से जितने लड़कों का जीपीएससी क्लास 1-2 का प्रीलिम्स निकला है, उनको हमारी ओर से शुभकामनाओं के साथ साथ आशीर्वाद कि वो मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू सब में सफल हो करके गुजरात में एक अच्छे अधिकारी बने जो नैतिक हों। उस प्रकार का अधिकारी ना बने कि सरकारी नौकरी के बाद भी कोचिंग क्लास चलाने लगे, ये नैतिकता नहीं कहता है। तो नैतिक बने, ये चीज़ का जो है मैं आपको संदेश दे रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग मुख्य परीक्षा करंट सीरीज यूपीएससी जीपीएससी पीआई डीवाईएसओ एसटीआई आरएफओ के अंतर्गत भारतीय राज व्यवस्था और लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग पहला क्वेश्चन एकदम सबसे करंट सीएए को लिए हैं। ये एक ऐसा करंट है कि कभी भी आपको झटका दे सकता है। तो देखिए, इसको पॉलिटी के मुद्दों पे माने कि ढाल के कैसे क्वेश्चन बनाए हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करें। डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सीएए 2019। क्या यह भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को प्रभावित करता है? अपने विचार दें। ठीक है, मतलब कि क्या ये भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को प्रभावित करता है, तो आप अपने विचार दें। यानी कि धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को करता है या नहीं, इन चीज पर अपने विचार दें। सबसे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का एक धमाकेदार इंट्रोडक्शन देना होगा। मेरे साथ यही है कि या तो मैं हाथ ही नहीं डालता हूँ। आज तक आप देखे होंगे कि मुख्य परीक्षा में वो बेलाइन इंट्रोडक्शन और बच्चे में बॉडी अने लास्ट में कंक्लूजन है। या तो लड़के को फुल आंसर समझाइए कि क्या लिखना है ताकि उसको लाभ मिले, या नहीं तो कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, पहले एक धांसुदार देखिए कि अगर आप इसको इतना लिख देते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को भारतीय संसद ने इतना तारीख को पारित किया, तो ठीक है, दो नंबर में एक भी दे देगा, पौने एक भी दे देगा, सवा नंबर हमको लेना है इंट्रोडक्शन में। तो पहले ही क्रक्स दिखना चाहिए कि इसमें क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारतीय संसद के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। ये एक पास करने का डेट दिए। इसके द्वारा क्या किया गया है, पहले तो ये जाने ना कि सीएए क्या है। तो इसके द्वारा
नागरिकता अधिनियम 1955 के किसमें चेंज किया गया, तो धारा 2 पैरा 2 की उपधारा 1 के खंड बी में, यानी सीए में जो पॉइंट रखा गया है उससे नागरिकता संशोधन अधिनियम में जो धारा 2 है, अभी देखेंगे अवैध परिभाषी प्रवासी की परिभाषा है, तो उस 2 के उपधारा 1 के खंड बी में संशोधन हुआ है, कॉमा धारा 7D जो प्रवासी भारतीयों के लिए 7A 7B 7C 7D बनाया गया था, इस सीए के द्वारा उसमें भी सुधार हुआ है। आपको कंप्लीट बताना पड़ेगा, इसलिए जो है हमको मार्क नहीं मिल पाता है। तथा धारा 18 7D के साथ साथ 18 धारा में भी सुधारा किया गया है और तृतीय अनुसूची में संशोधन किया गया है। मतलब ये हुआ कि CAA हमारे धारा 2 के उपधारा 1 के खंड बी 1, 7D 2, धारा 18 3 और तृतीय अनुसूची में संशोधन किया गया, यानी उसमें सुधारा हुआ है। ये धारा तो है ही आज भी भारतीय नागरिकता अधिनियम में, लेकिन इसमें सुधार किया गया। जबकि धारा 6B अंतः स्थापित किया गया है, यानी 6A और 7A के बीच में 6B को नया चीज रखा गया है। बस इतने ही बिंदुओं पर अब हमको आगे चर्चा करना है। ये इंट्रोडक्शन जब आप देंगे तब जाकर के आपका आंसर कंप्लीट होगा। और तोमर सर, जब भी आईएएस या जीपीएससी के मेंस का क्लास होता है तो इसीलिए बच्चों को कहते हैं कि पहले प्री में जम के ऑब्जेक्टिव पढ़ो, फैक्ट्स के बिना नहीं लिख पाओगे। आज जरा सोच के देखिए कि आपको कोई भी सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड कोई भी अगर सलाह दे रहा है कि पीटी का फैक्ट्स काम नहीं आएगा, ये कहां से आएगा जरा ये तो बताइए कि धारा 2 में क्या है, 18 में क्या है, 6B में क्या है। अगर आप प्री के समय इसको जो है हल्के में लेके निकल गए तो आज आप लिख ही नहीं पाएंगे, ऊपर ऊपर लिखेंगे। इसलिए जिस समय मैं प्रिलिम्स पढ़ाता हूं पूरा ध्यान रहता है कि लड़के को एनालिसिस के साथ फैक्ट्स उसके दिमाग में सेट किया जाए, उसका उपयोग मेंस में कैसे करना है वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बताते हैं। तो अब समझा दिए किसमें किसमें चेंज हुआ, अब एक बार बोल जाते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारतीय संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इसके द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 2 की उपधारा 1 के खंड बी, धारा 7D, धारा 18 और तृतीय अनुसूची में संशोधन किया गया, जबकि धारा 6B अंतः स्थापित किया गया। आप खुद महसूस करके देखिए कि CAA का दिमाग का दरवाजा आपका खुल गया होगा कि इतनों पे अपने को फोकस करना है। अब आइए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रमुख बिंदु। तो सबसे पहले अवैध प्रवासी इलीगल इमिग्रेंट की परिभाषा दी गई है धारा 2 के उपधारा 1 के खंड बी में। तो वो क्या दिया गया, तो कहता है लीगल पासपोर्ट, वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश। यानी एक वो व्यक्ति अवैध प्रवासी माना जाएगा जो बिना किसी लीगल पासपोर्ट के या कोई यात्रा दस्तावेज, मान लीजिए कि कभी हम लोग PIL कार्ड दिए थे, अगर वो है तो वो लीगल दस्तावेज है, या कोई मान लीजिए अभी क्या कहते हैं समुद्र पारी नागरिकता लिया है तो वो तो पासपोर्ट का जरूरत नहीं है उसको। तो लीगल पासपोर्ट यानी भारतीय पासपोर्ट एक तो आपके पास होना चाहिए, या वीजा हो या PIL कार्ड हो या समुद्र पारी नागरिकता हो, वैध यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश। अथवा आपके पास यात्रा दस्तावेज था लीगल, लेकिन उसमें लिखा हुआ था
कि आप 25 मई तक ही भारत में रहेंगे और उसके बाद भी आप यहां रहने लगे, देख लीजिए, या अथवा निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक भारत में रहने वाला व्यक्ति अवैध प्रवासी माना जाएगा, इलीगल इमिग्रेंट माना जाएगा। ये CAA के धारा 2 के खंड 1 के उपखंड B में रखा गया। अब आइए अगला, तो एक बता देते हैं, इसके बाद हमने धारा 7D में चेंज किया है, लेकिन इसी में हम लोग ये तृतीय अनुसूची में चेंज किए हैं, पहले वो ले लिए क्योंकि मुख्य बिंदु है, कहीं भी कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2014 को या उसके पूर्व, या तो 31 दिसंबर 2014 हो या उसके पहले, उसके बाद वाले को ये नहीं मिलेगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। मतलब कि इतने देश से अगर ये लोग आए हैं, क्योंकि ये लोग उस देश में लघुमति हैं, तो अगर वो 31 दिसंबर 2014 को इंडिया आए हैं या उसके पहले आए हैं, तो अगर उनके पास यात्रा दस्तावेज नहीं भी है लीगल, तो इस एक्ट के पास होने के बाद उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। चलिए आगे देखें, केंद्रीय सरकार नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2 के उपधारा 1 के खंड बी के अधीन, यानी केंद्रीय सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी को अधिकार होगा इस प्रकार के व्यक्ति को कि वो या तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा या देशीकरण के द्वारा नागरिकता का प्रमाण पत्र दे सकता है। यानी ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम के ना तो जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगा, ना वंश के आधार पर मिलेगा, और ना ही किसी भूभाग के समामेलन के अधिकार पर मिलेगा। इनकी नागरिकता आइदर रजिस्ट्रेशन के थ्रू होगी या देशीकरण के थ्रू होगी, ये दो होगा। देख रहे हैं ना कि जो लोग प्रीलिम्स पढ़े होंगे कितना मजा आ रहा होगा, जब हम एक एक पॉइंट उसमें बताते हैं क्लियर करके, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, तब आपको ज़्यादा उसमें क्या लगता होगा कि सर क्यों बता रहे हैं। देखिए आज कितना आप कूल फील कर रहे हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 और तृतीय अनुसूची के अधीन रजिस्ट्रेशन या देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त व्यक्ति, यानी जिसको भी इस एक्ट के अंतर्गत उसके धारा 5, ये सब लिखना पड़ेगा, इस एक्ट के अंतर्गत धारा 5 या तीसरी अनुसूची के अधीन रजिस्ट्रेशन या देशीकरण के द्वारा नागरिकता दे दिया गया है, तो वो जिस दिन भारत में प्रवेश किया था, चाहे 31 दिसंबर 2014 को किया था या 2 जनवरी 1984 को किया था, 1978 को किया था, उस दिन से वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये लोग जो भारत, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, जो हिंदू, पारसी, एक तरह समझना है कि वहाँ जो लघुमती हैं उनको, लेकिन यहाँ क्लियर किया गया है कि हिंदू बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, उनके लिए है ये। अब आइए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की कोई भी बात छठी अनुसूची में अधिसूचित इनर लाइन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, क्लियर लिखा हुआ है। यानी जो हम आपको मेघालय इनर लाइन बताए थे कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां की इनर लाइन परमिट लेना होता है, आप भारत के भी नागरिक हैं तो भी आपको वहां जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना होता है, तो वो जो छठी अनुसूची में जिनका वर्णन है कि वहाँ इनर लाइन हो सकता है, तो वैसे राज्यों में अगर इनको जाना है तो उस इनर लाइन परमिट के आधार पर ही वो जा पाएंगे, ऐसा नहीं कि वो वहाँ पहुँच जाएंगे और उनको हम अवैध नहीं मानेंगे, वहाँ जाने के पहले इनर लाइन परमिट को फॉलो करना पड़ेगा। भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक, यानी अब जिनके पास OCI कार्ड हो, मान लीजिए कोई आदमी भारतीय मूल का था, मतलब उसके दादा अफगानिस्तान चले गए थे, अफगानिस्तान से वो उसके पिताजी माइग्रेट करके चले गए थे, क्या कहते हैं, क्यूबा, तो वो
वहां से ओसीआई ले लिया, लेकिन अब अगर ये एक्ट पारित हो रहा है तो उसके लिए तो यहां का नागरिकता लेना बहुत आसान हो जाएगा। वो अफगानिस्तान वाला अगर शो कर दे, वो वहां से पहले वहां का नागरिकता ले, वहां से यहां आ जाए, तो अगर वो इस प्रकार के किसी भी कायदा का उल्लंघन करता है तो उसकी समुद्र पारी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी, ओसीआई भी उसका समाप्त हो। इस पर कहीं चर्चा कोई किया? ओसीआई पर क्या है? ना समर्थन वाले को ठीक से मालूम है, ना विरोध वाले को मालूम है कि एक्ट कहता क्या है। ऊपरी स्तर पे नहीं, ऊपरी स्तर पे तो जो एक्ट बनाते हैं उनको सब मालूम है। ये जो नीचे चला पान दुकान और रसगुल्ला दुकान पे जो गप, उसकी बात कर रहे हैं। ना पक्ष को मालूम है, ना विपक्ष को मालूम है, अपना अपना तर्क दिए जा रहे हैं, बस यही प्रॉब्लम है। अब आइए धारा 6B की उपधारा 1 के अधीन जो रजिस्ट्रेशन या देशीकरण के प्रमाण पत्र करने की शर्तें हैं, माने भारतीय नागरिकता अधिनियम में 6B में जो निर्बंधन है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सभी रिस्ट्रिक्शंस इसमें भी लागू तो होंगे। यानी 6B को बढ़िया से देखिए कि वहां जो जो निर्बंधन बताया गया कि इस रिस्ट्रिक्शन पर आपको हम नागरिकता नहीं देंगे, तो वो तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी अगर ये लोग भी आते हैं और अगर वो रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर लागू होगा तब तो इनको भी नहीं मिलेगा। और अंतिम है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के किसी व्यक्ति को, अब तक तो एक वो इलीगल नहीं माना जाएगा अगर 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आया है, बाद में आएगा अब तो इलीगल हो जाएगा अगर उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो, लेकिन 5 साल के अंदर ही उनको जो है नागरिकता मिल जाएगा। देशीकरण में हम लोग पहले 14 साल कर देते थे, लेकिन अब उनको 5 साल में ही नागरिकता मिल जाएगा। ये है CAA का इम्पोर्टेंट बिंदु, क्योंकि 200 शब्द में ही हमको और कुछ भी लिखना है। अब आइए कि जिन लोगों का कहना है कि ये भारतीय धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को प्रभावित करता है, पहला बात तो यही है कि संविधान का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये हमारे सेकुलरिज्म को प्रभावित किया होता तो अब तक सुप्रीम कोर्ट इसको रोक दिया होता, क्योंकि वो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसलिए अब इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि नहीं करता है, यह भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करता है। इसके पक्ष में निम्न तर्क दिए जाते हैं, कौन सा? तो जिस वक्त हम अवैध प्रवासी का परिभाषा दे रहे थे, उस वक्त हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान अगर आएगा विदाउट डॉक्यूमेंट तो वो अवैध हो जाएगा और हिंदू आएगा तो वो नहीं होगा। अवैध के समय क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास या तो भारत का पासपोर्ट नहीं है, या बाहर के आने वालों के पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, या वो ड्यू डेट पार करने के बाद भी नहीं जाता है, तो उसको अवैध माना जाएगा। इसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है, ठीक है। और जिस तरह से YouTube पर विवाद आ रहे हैं तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लूँगा। ये YouTube पर क्लास आने जा रहा है, ये एक शिक्षक के हिसाब से जो प्रश्न कह रहा है उस पर मैं बात रख रहा हूँ। ये इसमें पक्ष विपक्ष कुछ भी हम कहने वाले कोई नहीं होते हैं, ये तो आपको प्रश्न पे आंसर कैसे करना है वो बता रहा, नहीं तो आजकल क्या है यूट्यूब में सबसे बेचारा निरीह प्राणी टीचर है, बेचारा कुछ भी पढ़ा रहा हो उस पर जो है 4 आदमी कमेंट कर दीजिए, भाई उसको कोई मतलब नहीं है। उसका एक ही उद्देश्य है कि वो केवल और केवल जो है अपने बच्चों का आंसर अच्छा कैसे करा सकता है जिससे कि उसको मार्क मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में टिक कैसे वो सही मार सकता है। तो इसलिए अगर किसी भी लोगों को ऐसा लगता हो जो मैं यहाँ से आगे पढ़ाने जा रहा हूँ कि ये हमारे धर्म पे प्रहार होगा या ये हमारे इस पे प्रहार है, तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप उस वे में मत लीजिएगा। ये जस्ट एक 200 शब्द के क्वेश्चन का जो डिमांड है उस पर मैं आंसर बता रहा हूँ। ये आंसर की राय है, इसमें ना तो मेरी कोई निजी राय है,
हाँ या ना मैं कुछ नहीं कहूँगा पब्लिकली। तो इसलिए प्लीज़ एक शिक्षक को शिक्षक के तरह रहने दीजिएगा, उसको थोड़ा सा पढ़ाने दीजिए प्रश्न के हिसाब से, कहीं भी कोई शिक्षक है। और हम शिक्षक के साथ भी है कि हम लोग भी थोड़ी अपनी मर्यादाओं में रह के पढ़ाएँ, अपने विषय वस्तु को ही रखें, विषय वस्तु से बाहर जा करके हम लोग भी अपने इस परिधि को पार ना करें। लेकिन जिस तरह से कई बार पढ़ाते समय ऐसा होता है कि किसी कंटेस्ट में आदमी कुछ कह देता है, तो उस कंटेस्ट को छोड़ करके केवल शब्दों को पकड़ लेना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ओनली मेरा उद्देश्य आईएएस और जीपीएससी के प्रश्नों का उत्तर कराना है। आप इसको कुछ भी अपने मन में नहीं बनाइएगा कि हम विरोधी हैं कि समर्थक हैं, ये शिक्षक का काम नहीं है। आप जैसा प्रश्न देंगे उस प्रश्न पर हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन का। तो चूंकि हमें तर्क देना है कि हम इसको साबित करना है कि ये धर्मनिरपेक्ष छवि को चोट नहीं पहुंचाता है, क्यों? अगर चरा भी चोट पहुंचाता तो हमारी न्यायपालिका इस एक्ट को कैंसिल कर दी होती है। आज अगर न्यायपालिका इस एक्ट को कैंसिल कर देता तो ये प्रश्न का उत्तर हम दूसरे दिशा में आपको लिखा रहे होते, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उन देशों के सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह सुविधा दी गई, मतलब वहां से जो आएंगे उसको आप यहां के कंटेस्ट में मत देखिए। यहां हिंदू बहुसंख्यक हो सकता है, बट पाकिस्तान में तो वो अल्पसंख्यक है, अफगानिस्तान में तो अल्पसंख्यक है। तो यह व्यवस्था उन देश में जो लघुमती हैं उनके लिए किया गया है। और हमारा संविधान जो है भारत का, वो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुविधा हो इसकी जोगवाई करता है, प्रावधान करता है। नहीं तो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के लिए जो आर्टिकल 28, 29, 30 में हम पढ़ते हैं, तो वो यहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है। तो इसका मतलब है कि संविधान के बेसिक फीचर में ये बात तो छिपा हुआ है कि किसी भी जगह के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुविधा का प्रदान किया जा सकता है, और वही हमारा ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये हमारे यहाँ के हिंदुओं के लिए कहा जाता तो हम कह सकते थे, लेकिन ये चूंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ के लघुमतियों की बात कर रहा है, तो ये हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के भावनाओं के अनुरूप है। ध्यान रखिएगा, भावना का मतलब कि आर्टिकल में डायरेक्ट नहीं कहा है, बट अगर हमारे किसी आर्टिकल में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है, तो इसका मतलब है कि संविधान के इन भावनाओं का सम्मान करते हुए हमको इस चीज पर, इस प्रश्न के आलोक में कहना पड़ेगा कि हाँ, संविधान भी धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान करता है। देखिए, ऐसे करके तर्क दीजिएगा तो नंबर आएगा, और तब आप गुजराती, हिंदी, इन सभी मीडियम से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, मैं इसी मुहिम पे हूं कि चाहे दिल्ली, चाहे बंबई, चाहे इलाहाबाद, चाहे पटना, हिंदी माध्यम का टीचर क्यों सरेंडर बुलवा रहा है बच्चे को? बच्चे को बताइए कि इतना कंटेंट डालो, देखो कैसे इंग्लिश मीडियम वाले के सामने नहीं। 2017 में जीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, 2017 में 10 से ऊपर बच्चे थे हमारे यहाँ से, जिनको कि 900 में 400 से ऊपर नंबर आया था रिटर्न एग्जाम में, इंटरव्यू छोड़ करके। 400 तो कम बोले, कम से कम 410 प्लस था, और 3-4 तो ऐसे थे कि 441, 438, 436, 425, 450 से ऊपर थे, और उनमें से सिर्फ एक ही इंग्लिश मीडियम के थे, बाकी सारे गुजराती मीडियम के थे। 2018 में भी 3 से 4 बच्चे, क्योंकि हमारा बेस गुजरात में वो नहीं हो सकता है, हम हिंदी बोलते हैं, कि हमको 10,000 लड़का आ जाए पढ़ने। तो मेरे रिजल्ट का तुलना इसमें करिए कि 100 में कितने साल में विश्वास में कितने पढ़ते हैं, तो 200 में कितने, और कहीं 10,000 में कितने, तो उस हिसाब से तुलना की करिएगा। तो उस पर बता रहे हैं कि 4 लड़के हैं जो 400 प्लस हैं,
इन चीजों को ध्यान। एक तो मेरा बच्चा अभी हालांकि वो डिवाइस हो गया है, मैंने इतना मार्क लाया था कि उसको 32 इंटरव्यू में दिया इसलिए फेल हो गया, नहीं तो उसका सिलेक्शन हो जाता। तो गुजराती मीडियम के बच्चों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। हाँ, गुजराती मीडियम के बच्चे जो ईजी के पीछे भागते हैं ना कि जरा सा ये गुजराती में मिल जाए, ये उस आदमी के गुणवत्ता को देखिए कि वह व्यक्ति, हम कई लोगों को देख रहे हैं अब सब एथिक्स पढ़ा रहा है। मैंने एथिक्स पढ़ाना क्या इतना आसान है? चीज़ों को उठा करके केवल उस पर बोल देना है, या देखिए तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है। भाई हम भी 21 साल से पढ़ा रहे हैं, आज तक हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि इकोनॉमिक्स पीटी का पढ़ा पाए। हम बार बार एक्सपर्ट बुलाते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फैकल्टी को, 2 बार मेंस दिया खड़ा हो गया, ये समस्या है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है, ये यहाँ पे हम ये साबित कर रहे हैं कि ये हमारी भावनाओं के अनुरूप है। अगला, छठी अनुसूची में जो इनर लाइन है उसमें अगर इनको वरीयता दिया गया होता तो आप कह सकते थे कि एक धर्म विशेष के आदमी को आप इनर लाइन में जाने दे रहे हैं, अब बाकियों को नहीं जाने दे रहे। इसमें तो सबको रोक दिया है, इसमें तो बार बार कहा जा रहा है भारत का कोई भी नागरिक होगा जो वहां का निवासी नहीं है उसको इनर लाइन फॉलो करना पड़ेगा, उसमें कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है। ये कहेंगे भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकों को प्रावधान के समय धार्मिक रूप से कोई भेदभाव नहीं किया गया, जो कहा गया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो कैंसिल कर देंगे, उसमें कहां कहां है कि आप इस धर्म के होंगे तो कैंसिल करेंगे, इस धर्म के होंगे तो नहीं करेंगे। देख रहे हैं ना, प्रश्न के हिसाब से आपको अपना आंसर का तर्क बदलना पड़ेगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आने वाले अन्य धर्म के भी लोग जो हैं, हिंदू को छोड़ के अगर मुस्लिम ही आते हैं तो उनके लिए अनुच्छेद 5 मतलब कि सॉरी नागरिकता अधिनियम की धारा 5 और धारा 6 खुला है। आप धारा 5 और धारा 6 के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आजादी के बाद ऐसे कई लोग हैं जो इसका सहारा लेकर के नागरिक बने। हम अगर अदनान सामी का ही नाम लें तो बने ही ना, पाकिस्तान की नागरिकता थी उनके पास। तो अगर कोई भी दूसरे समुदाय के लोग हैं, अगर उनको आना है, हम ये प्रश्न के कंटेस्ट में बोल रहे हैं दोस्तों, बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, क्योंकि YouTube में क्या होता है कि आभासी रजनीश सिंह तोमर होता है टीचर, तो उसमें क्या है, भावनाओं को लोग नहीं समझ पाता है। तो इसीलिए मैं उन लोगों को खास विनती करूंगा कि प्लीज अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मैं केवल प्रश्न का उत्तर करा रहा हूं, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ठीक है? तो चलिए आगे, यहां से आने वाले लोगों को आर्टिकल 5 और 6 के तहत दिया जा सकता है। अब हमको कंक्लूड करना है और इसके आंसर में पक्ष में लिखना है, क्योंकि हम उसी पर गए हैं। तो इस प्रकार भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान के मूल ढांचे धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित नहीं करता है। इतना जब हम लिखेंगे ना, तो उसके बाद देखिए, तो इसको गुजराती छोड़िए ना, आप इसको यूपीएससी में किसी भाषा में लिख के देखिए, असमिया में, उड़िया में, बंगाली में, आप इतना कंटेंट लिख कर देखिए कि आपको नंबर आता है कि नहीं। एकदम धारा के साथ लिखना होगा कि धारा 6 में ये कहता है, तृतीय अनुसूची में ये कहता है, आराम से नंबर आएगा। हम लेट गो कर रहे हैं। अब एक हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने, और उस पर जो है हम व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन है, जल एवं स्वच्छता की संवैधानिक एवं वैधानिक स्थिति को बतलावें। बना पॉलिटी भी है, पब्लिक एड भी है, संवैधानिक भी बतलाएं, अवैधानिक भी बतलाएं, लीगल भी बतलाएं। जल संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए हाल में कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, इसे और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दें। दोस्तों,
इस स्तर के क्वेश्चन का आंसर रजनीश तोमर अपने हाथ से लिख करके लड़कों को डील करता है। आज भी मैं बता रहा हूं कि मुझे 1,00,000 बच्चे पढ़ाने का कोई शौक नहीं है कि मैं वो तिकड़म के थ्रू पढ़ा, ऐसे आ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन तिकड़म के थ्रू करें। अभी हमें बार बार कहा जा रहा है हमारे टीममेट के द्वारा कि भाई 80-90 लोग प्रीलिम्स में आपके यहाँ से पास हो गए हैं, तो एक काम करिए ना, पब्लिश करिए ना। अभी वो बच्चा एक छोटा सा नन्हा शिशु पौधा है, आ कहीं वो क्रश हो गया मेंस में, तो मान लीजिए कल इंटरव्यू में कौन देखा है, कोई बोर्ड वाले हो, हम कहीं एडवर्टीजमेंट किए, नजर पड़े, अरे यही था, नहीं कर सकते। और बच्चों की उपलब्धियों पर अपने पैसा कमाएं, ये नहीं होना चाहिए। आप मेरी उपलब्धियों को देखिए ना कि मैं 21 साल से पढ़ा रहा हूं, ये मेरी उपलब्धि है। बच्चे 2 लाइन लिख देंगे सेलेक्ट होने के बाद तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, यही तो गलत ट्रेंड लेके गया ना। गुणवत्ता आप चेक करिए, वो फोटो फाटो क्या है, वो सब जानते हैं। एक चीज और भी है, गलत भी नहीं है, हम लोग भी जब 30 साल के थे तो खूब किए, जब पाली लिटरेचर पढ़ाते थे ना तो 2012 में 48 फाइनल सेलेक्शन IAS में दिए थे दिल्ली से, सबका फोटो लगाए थे नंबर के साथ, 12 का फोटो लगा के N48 अदर्स लिखे थे, 1 साल में दिए थे। कोई भी ऐसा साल नहीं बीतता था कि IAS में फाइनल मैंने 20-25 से कम लोग पास होते थे, तब उम्र कम था, 35 साल के होते थे, जोश आता था। धीरे धीरे एहसास हुआ, तो वो हमसे 2 साल छोटा भी होता था, भाई था, अब लगता है कि अपना बेटा बेटी का उपलब्धि बता करके पैसा कमाएंगे ना, ये नहीं हो सकता। और 21 साल कोई आदमी खड़ा है तो बिना गुणवत्ता के वो खड़ा होगा, इसलिए उसको फोटो और ऐड की जरूरत नहीं। और फोटो 4 जगह से छप जाता है, अब क्या करिएगा, ये सोच के देखिए कि 4 जगह से छप जाता है तो फिर किसकी किसका क्रेडिट माना जाए। अगर एक ही फोटो 3 जगह से, आज जो लिख के दे रहा है कि तीनों जगह हम आपके यहां से पढ़े थे, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये सोचिएगा। तो चलिए आज इस एक अच्छे क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, संवैधानिक स्थिति कह रहा है और वैधानिक स्थिति कह रहा है। तो पहला संवैधानिक स्थिति ये कि जल एवं स्वच्छता भारतीय संविधान में कहां है, तो जल एवं स्वच्छता भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के सूची 2 के अंतर्गत राज्य का विषय है। लिख के देखिए तो ऐसे कि कैसे नहीं नंबर देता है। जल संसाधनों और स्वच्छता परियोजनाओं की योजना, वित्त पोषण, कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, यह हो गया संवैधानिक स्थिति। अब आइए वैधानिक। केंद्र सरकार एक सलाहकार की भूमिका निभाती है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार अपने क्षेत्राधिकार में जल संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए अनेक प्रयास किए हैं। हमको इस ओर जाना पड़ेगा ना, तो क्या देख रहे हैं, संवैधानिक स्थिति यह है कि 7वीं अनुसूची के अनुसार ये राज्य का विषय है। वैधानिक स्थिति यह है कि केंद्र के पास संसाधन ज्यादा है, वो सलाहकारी भूमिका में होता है, राज्य को गाइड करता है, और इसलिए दोनों मिलकर के जल एवं स्वच्छता के लिए अनेक प्रयास किए हैं। क्या क्या किए हैं, तो देखिए, जल संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए किए गए प्रयास क्या करते हैं आप, 200 शब्द पूरा भी नहीं होता है, सीधे लिख देते हैं जल जीवन मिशन। जरा उसके उद्देश्य को थोड़ा सा तो लिखिए। 15 अगस्त 2019 को प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप युक्त जल की आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत, ये पहला काम किए हैं। आ UPSC में तो 250 शब्द है, तो वहां तो आपको फिर कंटेंट कम पड़ जाएगा। 1 जुलाई 2019 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल अभाव वाले जिले में जल शक्ति अभियान की शुरुआत, इसीलिए कहते हैं कि योजना हर महीने पढ़िए और कुरुक्षेत्र मैगजीन। 25 दिसंबर 2019 ईस्वी को भूजल संरक्षण के लिए अटल भूजल योजना की शुरुआत,
कैसे प्रयास नहीं किए हैं, देख रहे हैं ना। देखिए वर्ष 2018 में नीति आयोग ने राज्यों के बीच सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का अनुसरण करते हुए समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अब अंग्रेजी मीडियम के लड़के भी देख रहे होंगे इसलिए हमने लिखा है कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की शुरुआत की गई। 23 अक्टूबर 2014 को सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने, स्वच्छता में सुधार लाने और खुले में शौच को समाप्त करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। अगर शब्द कम है, यूपीएससी में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं 150 शब्द वाला, तो ये सब मत लिखिए, सीधा यहां से लीजिए और यहां से जोड़ लीजिए। 250 शब्द में लिखना है तो ये पूरा नहीं लिखिएगा तो कहां से 250 शब्द पूरेगा। इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। जल युक्त शिवहर, इसके अलावा अभी आपने, ये तो केंद्र की योजना थी, आप ऊपर ही लिखे हैं कि जिम्मेदारी राज्यों की है, तो राज्य कुछ ऐसे जो जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योजना चलाया हो तो अंत में एक पॉइंट में डाल दीजिए कि जलयुक्त शिवहर योजना महाराष्ट्र की, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान का, नीरू चेतु कर्नाटक की योजना, मिशन काकातिया तेलंगाना की योजना और आपणो गुजरात, सुजलम सुफलम गुजरात जैसी योजनाएं विभिन्न राज्यों में प्रारंभ की गई है। यानी इस प्रकार से हम लोग अपने प्रश्न में ये बता दिए कि भले केंद्र और राज्यों के बीच में ये विभाजित है लेकिन दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अब कहता है बेहतरीन एक शब्द है और बेहतर उससे भी अच्छा शब्द है। हम ये आंसर कह सकते हैं कि बेहतरीन है बट इससे भी बेहतर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो और बेहतर बनाने के लिए सुझाव, तो जल को आर्थिक विकास का हिस्सा, मतलब लोगों के दिमाग में डालिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है इसका संरक्षण। देखिए जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है ना तो आदमी उस ओर जल्दी सोचता है। जल के अधिक उत्पादक उपयोग के लिए जल बाजारों को प्रारंभ करने की आवश्यकता, वाटर मार्केट शुरू करिए। जल निकायों में प्रदूषण को घटाने के उपाय के रूप में प्रदूषण कर लगाइए, जिससे कि अगर आपके द्वारा भेजे गए पानी में प्रदूषण निकला तो उसके एवज में टैक्स लेंगे, वो अपने ही इस पर अच्छा काम करने लगेगा। जल क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ नई रणनीतियां बनाइए पीपीटी मॉडल में, और अब जाकर के आप एक आशावादी कंक्लूजन लिखिए कि यदि ये संरचनात्मक सुधार चरणबद्ध और विस्तृत ढंग से लागू किए जाते हैं तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों को अपने वर्तमान योजनाओं और कार्यक्रम के लिए अपार लाभ मिलेगा और ये जल और स्वच्छता के सिद्धांतों को जो है, या जो हमारा ध्येय है उसको मजबूत करेगा। इस प्रकार से आज दोस्तों लोक प्रशासन और पॉलिटी के क्वेश्चन का, दो क्वेश्चन का आपको व्याख्या किए। अब किसी दिन फिर आपके पास, अब ये दो तो कर दिए लेकिन अब आएंगे सीक्वेंस में, अब आएंगे एक दिन इतिहास के दो प्रश्न को लेकर, एक एंशियंट एक मॉडर्न, फिर एक दिन आएंगे भूगोल के प्रश्न को लेकर, एक भौतिक एक इंडियन, फिर एक दिन आएंगे आपको पेपर टू में पॉलिटी और ये कर ही दिए नीति शास्त्र के दो प्रश्न को लेकर, तीन दिन और आएंगे, और एक दिन आएंगे साइंस एंड टेक के दो प्रश्नों को लेकर, और एक दिन आएंगे दो प्रश्न करंट अफेयर्स। पांच ये सीरीज में अभी और मेरा लेक्चर आएगा, और दो ये सात सीरीज है, और इससे आपको आइडिया लगा होगा कि अभी हम जो करंट अफेयर्स का एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं ओनली फॉर जीपीएससी मेंस, एसटीआई के लड़के जुड़ सकते हैं, आपको गुणवत्ता ही मिलेगा, लेकिन मेरा गोल है जीपीएससी क्लास 1-2 जो ये बच्चे पास किए हैं, और मैं उस तारीख को ध्यान में रख के पढ़ाऊंगा। एक महीने के अंदर आपको, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 जुलाई तक, हर विषय को व्हाट्सअप कर देंगे आपको कि आंसर कैसे लिखना है।
माने 10 क्वेश्चन एंशियंट लिखा देंगे हर एक एक चैप्टर का कि कैसे क्वालिटी दार लिखा जाए, 10 क्वेश्चन मॉडर्न का लिखा देंगे, 10 भारत के भूगोल का लिखा देंगे, 10 हम कोई सहयोगी ला करके अपना जो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं कल्चर ऑफ गुजरात लिखा देंगे, ऐसे करके हर विषय से 10-10 क्वेश्चन अगर आपको लिखा दें, 3-3 टॉपिक एक एक में है, 90 प्रश्न होते हैं, और आप निश्चिंत रहिए कि एक बार अगर आपको इस गुणवत्ता युक्त 90 क्वेश्चन लिखा दें तो हम हैं अपने उस मिशन मोड में जो मैं 2017 में था। वो ऑनलाइन क्लास नहीं था, वो ऑफलाइन था, अभी चूंकि आ नहीं सकते हैं तो ऑनलाइन, और ये कोर्स मैं अपने क्लास के उन बच्चों के लिए जो प्री किया है, वो अगर हमसे संपर्क करेगा और अपना हॉल टिकट भेजेगा जिससे मुझे पता चले कि वो प्रीलिम्स पास किया है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। विश्वास एजुकेशन के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीटी पास किया हुआ होना चाहिए, और बाकी जो बाहर के लोग हैं वो एड इसमें एक फर्स्ट लेक्चर के पहले आया होगा, एक सेकंड लेक्चर के पहले आया होगा, उसमें जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है आप उससे संपर्क करिए, बाहर के लोगों के लिए भी आपको व्यवस्था मिलेगा, और मेरा टेस्ट सीरीज इसी गुणवत्ता का होता है, इसलिए हम लोग वो ज़्यादा ढोल नहीं बजाते हैं कि आ जाओ टेस्ट सीरीज करने, टेस्ट सीरीज बिल्कुल नहीं। प्यासे को सर्च करना चाहिए कि कुआं कहाँ है, हर कुआं कहता है कि मेरा पानी मीठा है, कोई ऐसा कुआं नहीं कहता है कि मेरा पानी खट्टा है, कोई दही बेचने वाला दुकानदार कहा है कि मेरा दही खट्टा है, आज तक कोई है कि जो इस मंच पे आकर के कहे कि नहीं हम बहुत खराब पढ़ाते हैं, एगो हम ही हैं जो बार बार कहते हैं कि बड़ाई मत करो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, शिकायत भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हम आपको क्या दे पा रहे हैं, तो इसलिए जज आपको करना चाहिए। हर चमकदार वस्तु सोना नहीं होता है, कोई भी कोचिंग क्लास हो मैं ही क्यों ना हूं, फोटो लगा देने से पास लड़के का मेरे में गुणवत्ता नहीं आ जाएगा, ये सबसे पहला चीज ध्यान रखना है, ये हमेशा के लिए ये प्रश्न मैंने ये है। और अगर आप इतिहास पढ़े हों तो एक वार्तालाप करके हम जा रहे हैं कि अशोक अपने अभिलेखों में नाम तक नहीं लिखता है, चक्रवर्ती पियदस्सी लाजा, क्योंकि अशोक को मालूम है कि मेरा नाम ही काफी है, चक्रवर्ती पियदस्सी राजा हम ही हैं, और उसका राज कितना बड़ा था, और जिस राजा का राज छोटा है पूर्व मध्यकाल आते आते, परम भट्टारक चंद्र चूड़ामणि एक राट विराट सर्वराट, और उसके बाद वो अपना नाम लिखता है। तो जितना जो रिजल्ट बताने का प्रयास करे, समझ लेना है कि उसमें व्यक्तिगत दम नहीं है, समझ गए? उस सोले का ठाकुर है कि उसको जय और बीरू की आवश्यकता पड़ रही है सेलेक्टेड कैंडिडेट की, कि उसके चिट्ठी बल पे आप पे पहुंचना चाह रहा है। और रजनीश तोमर बुरा नहीं मानिएगा, मजाक में बोल के जा रहे हैं कि सोले का गब्बर है उसको कोई जय बीरू की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही समझा सकता है आपको कि आप ऐसे करिए। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरे इस लेक्चर से किसी का दिल दुखाया हो, CA की बात स्पेशल कर रहे किसी का भी, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। प्रश्न के हिसाब से हमने व्याख्या किया है, उसको आप राजनीतिक रंग ना देंगे प्लीज। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।